वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें फेस एडिटिंग काफी हार्ड लगती है और अच्छे से हम फेस स्मूथ नहीं कर पाते, ब्रश के निशान रह जाते हैं हमारे फेस पर। जैसे प्रोफेशनल एडिटर स्किन स्मूथ करते हैं उस तरह से हम स्किन स्मूथ नहीं कर पाते। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप करे फुल वॉच कर लेते हो तो आप नेक्स्ट वीडियो स्मूथ के ऊपर नहीं देखने वाले, क्योंकि डिटेल में समझा दूंगा आपको स्मूथ करना और वो भी प्रोफेशनल टाइप का। बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि आप इसी वीडियो को थोड़ा टाइम निकाल के फुल वॉच कर लो, क्योंकि मैंने एकदम डिटेल में समझाया आपको हर चीज और वो भी इजी तरीके से। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्टेप वन में हम अपनी फोटो को स्नैपशीट में ओपन करेंगे और साइड में आपको एडिट बटन दिख रहा होगा, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, ट्यून इमेज पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम सैचुरेशन को माइनस करेंगे एकदम 100%, तो माइनस कर देते हैं 100%। अब थोड़ी सी ब्राइटनेस भी माइनस करेंगे, तो 50-60 आप माइनस कर सकते हो, तो मैं 53% कर लेता हूँ। नीचे डन बटन पे क्लिक करेंगे और उस साइड में आपको व्यू एडिट का बटन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे व्यू एडिट पर। अब यहाँ से हम ट्यून इमेज पर क्लिक करके, तो सैचुरेशन हमें अपने बैकग्राउंड में डालनी है ओनली, तो हम बैकग्राउंड में डालेंगे और अपने फेस से सैचुरेशन को कुछ इस तरीके से रिमूव कर लेंगे जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हो। तो टाइम निकाल के आप अच्छे से रिमूव कर लेना, आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए बट अच्छे से रिमूव करना। मैंने वीडियो फास्ट कर दी है, अगर वीडियो फास्ट नहीं करता तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाती। तो अच्छे से हम क्लॉथ्स एंड स्किन सैचुरेशन को रिमूव कर लेंगे। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप ऐसी एडिटिंग करो तो बैकग्राउंड एकदम ब्लैक होना चाहिए, एकदम सैचुरेशन माइनस होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। इसे मैं LR से भी कर सकता था बट उसमें सैचुरेशन फेस की भी माइनस हो रही थी, इसलिए मैंने स्नैपशीट से किया। आप LR से भी कर सकते हो। इतना होने के बाद फोटो को सेव कर लेते हैं। स्टेप टू में हमें नेक्स्ट एप्लीकेशन ओपन करनी है जिसका नाम है ऑटोडेस्क स्केचबुक, तो उसमें अपनी फोटो को ओपन कर लेते हैं। ऑटोडेस्क में आने के बाद जहां से हम अपनी ब्रश सिलेक्ट करते हैं उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कौन सी ब्रश सिलेक्ट करनी है आप ये देख लो। तो नीचे की साइड हम आएंगे तो हमें ये वाली ब्रश दिखेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ब्रश की सेटिंग आपको किस तरह से करनी है ये देख लो। आपको फॉलो 5% करना है, इंस्टेंट 4% करनी है और साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जितना आप जूम करो उतना साइज बढ़ा लेना। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करनी है। बहुत से बंदे ये देख लेते हैं कि बस इसने ब्रश सेलेक्ट कर दिया हम ड्रॉ कर लेंगे, बट आप ये नहीं देखते कि किस तरह से ब्रश चलानी है। ये मैंने इसमें कि आपको ब्रश किस तरह से चलानी है, तो देख लो स्क्रीन पे पॉइंट आपको दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, इस तरह से आपको ब्रश चलानी है। जब भी आपकी फेस की स्किन पे निशान नहीं पड़ेंगे, जो भी हमारे निशान रह जाते हैं छोटे छोटे वो निशान नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ मैं वीडियो फास्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये ही इसमें मेन है स्मूथ करने में, तो ये आप बिना स्किप करे देखना, ये ही इसमें सबसे मेन है कि ब्रश कौन सी जगह पे किस तरह से चलानी है। अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया तो भाई वीडियो आपके कोई भी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें ये ही मेन है, इसलिए मैंने एकदम डिटेल में समझाया है आपको कि ब्रश कैसे ड्रॉ करनी है और कौन सी साइड ड्रॉ कैसे करनी है। तो देख लो जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी तरह से आप अच्छे से ड्रॉ करना, इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के प्लीज फुल वॉच कर लेना, कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। एक ही साइड करना, गोल को रोटेट मत करना जिससे कि हमारे फेस की स्किन पे निशान पड़ जाएंगे। इस वीडियो का 50 लाइक का टारगेट है तो प्लीज कंप्लीट करा देना। अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर देना, क्योंकि काफी ऑसम वीडियो होने वाली है। अगर मैं इसी तरह से बोलता रहा तो आप बोर हो जाओगे, या तो वीडियो को स्किप कर दोगे या फिर वीडियो को छोड़ ही दोगे, इसलिए मैं साउंड की आवाज थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। तो भाई एक भी पॉइंट इसमें मिस मत करना, देख लो कैसे मैं स्किन स्मूथ कर रहा हूँ और काफी छोटी सी वीडियो रह गई है अब, तो प्लीज फुल वॉच करना। अगर आपने इतनी देख ली है तो थोड़ी सी और देख लो, आप परफेक्टली फेस स्मूथ करना सीख जाओगे। तो वॉल्यूम बढ़ा देते हैं थोड़ा।
स्किन स्मूथ करने के बाद फोटो को कर लेंगे सेव। अब स्टेप थ्री में आपको क्या करना है, अपनी फोटो को LR में शेयर करना है लाइट रूम में। ऑलरेडी आपके मोबाइल में लाइट रूम होगा। लाइट रूम में आने के बाद सबसे पहले हम लाइट एडजस्ट करेंगे, तो शेडो को इंक्रीज कर देंगे, हाईलाइट को थोड़ा माइनस कर देंगे। अब जाएंगे हम कंट्रास्ट में, तो कंट्रास्ट को भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। अब जाएंगे हम कलर में, तो कलर में देख लो किस तरह से एडजस्ट करने हैं। तो रेड कलर की हम सैचुरेशन इंक्रीज़ कर देंगे, ऑरेंज कलर पर एडजस्ट करेंगे, लैमुलेसिस की हाई कर देंगे और थोड़ी सी सैचुरेशन माइनस कर देंगे और सब हमारा ऑलरेडी डन है। बैकग्राउंड तो ऑलरेडी हमारा ब्लैक है, तो इसमें कोई और कलर तो हम एडजस्ट कर नहीं सकते। फोटो को कर लेंगे डन। अब चलते हैं क्लियरिटी में, तो क्लियरिटी पे करते हैं क्लिक। और यहाँ से आप सबसे पहले हम टेक्सचर को इंक्रीज करेंगे, क्लियरिटी को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे और विंटेज को थोड़ा माइनस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना और डेली न्यू क्रिएटिव एडिटिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।